Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the merciful, the beneficent. Today, my lecture is Process to Compel Obedience. It has been narrated in chapter number 6 of CRPC. And my lecture will start from section 68 and so far as the first method of compelling a person to appear before the court is summon, the procedure to bring culprits or offenders or witnesses before the court is narrated in CRPC under certain sections. And we will start this topic from section 68. So far as section 68 is concerned, this is form of summons, and it has been mentioned in section 68 that the form of summons, every summons issued by the court under this code shall be in writing in duplicate, signed and sealed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time direct. जहाँ तक इसकी जो explanation है उसका ताल्लुक है तो उसमें ये categorically mention किया गया है और ये बयान किया गया है कि हर समन जो होगा वो सेक्शन 68 नरेट्स दैट एवरी समन्स इश्यूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड एंड सील्ड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल्स डायरेक्ट. इसमें यह बयान किया गया कि हर समन जो कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा वो इन राइटिंग होगा और उसके इन डुप्लीकेट का मतलब है कि उसके दो प्रत होंगे, दो उसकी जो कॉपियां होंगी और उस पर जो प्रेसाइडिंग अफसर यानी जो जज होगा उसके सिग्नेचर होंगे और वो अपनी मोहर भी उसके ऊपर सबत करेगा. या फिर कोई दीगर ऑफिसर जिसको वक्तन फक्तन हाई कोर्ट समन जारी करने के लिए मुकर्रर कर सकती है उसके साइन या उसके सिग्नेचर और साथ उसकी सील जो है उस पर अफिक्स की जाएगी. अगला सवाल पैदा होता है कि समन किस तरह से सर्व किया जाएगा. समन जो है जी वो आमतौर पर कोर्ट में पुलिस ऑफिसर के जरिए समन किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, या फिर उस तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी कि इस तरह से ये समन जो है सर्व किया जाएगा और ये किसी दीगर पब्लिक सर्वेंट के जरिए भी सर्व किए जा सकते हैं. लेकिन इसमें जो प्रोविजो बयान की गई है उसमें यह बात बताई गई है अगर कंप्लेनर जो है मुस्तगीस जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है या मुल्जम अगर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है तो वो अपने गवाहान पर भी समन्स जो है वो इशू करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए उनको कोर्ट ऑफ लॉ में एप्लीकेशन दायर करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट है जी सेक्शन 69 जिसमें समन्स हाउ सर्व्ड. अब सवाल ये पैदा होता है कि समन किस तरह से सर्व किया जाएगा, उसकी सर्विस किस तरह से करवाई जाएगी. जहां तक मुमकिन हो कोशिश यही की जानी चाहिए कि पर्सनली जो अक्यूज पर्सन है या वो शख्स जिसको कोर्ट में तलब किया जाना मकसूद है उसके ऊपर उस पर समन जो है वो पर्सनली सर्व करवाए जाए और उसका तरीकेकार ये है कि उसको डिलीवर किया जाए, टेंडर किया जाए, उसके हवाले किए जाए समन और उसको पेश किया जाए और उसकी कॉपी जो है डुप्लीकेट उस पर उसके दस्तखत भी वसूल किए जाए. और ये लाजमी है जी कि जो समन वसूल करेगा जो शख्स इन पर्सन वो कॉपी जो प्रोसेस सर्वर जिसे हम कहते हैं या जो सर्विस करवाने वाला शख्स है उसके पास जो कॉपी है उसकी बैक साइड पर वो अपने सिग्नेचर इस बात की एक्नॉलेजमेंट देगा कि वाकया ही इस शख्स ने मुझे ये समन जो है वो सर्व कर दिया है और वो उसके बैक साइड पर जो प्रोसेस सर्वर की कॉपी है उसके ऊपर दस्तखत करेगा. उसके बाद है जी
अब अगला सेक्शन 70 ये आ जाता है कि अगर आप सर्विस करवाने के लिए गए हैं, मुलजम आपको नहीं मिल रहा या उसका पता नहीं चल रहा, तो फिर उसकी जो सर्विस है समन्स की, वो किस तरह से करवाई जाएगी। आपने पूरी कोशिश की, इसको ड्यू डिलीजेंस कहते हैं, आपने पूरी मुस्तैदी से कोशिश की, आप प्रोसेस सर्वर हैं, आप सर्विस करवाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको मुलजम नहीं मिल रहा, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी जो है वो सर्विस नहीं करवाएंगे। इसका तरीकेकार यह है कि उसकी जो फैमिली है, उसका जो कोई मेल मेंबर है, जो बालक शख्स है, आप उसके पास समन की एक कॉपी जो है, उसको डुप्लीकेट जो है उसको देंगे और उस पर उसके दस्तखत हासिल करेंगे। जरूरी है उस शख्स के लिए जिसको आपने कॉपी दी है कि वो प्रोसेस सर्वर के पास जो एक कॉपी रह जाएगी समन की, उसकी बैक साइड पर दस्तखत करके देगा कि फलां शख्स के बारे में मैंने ये सर्विस जो है वो की है और मैंने समन वसूल कर लिया है, और जब वो मुल्जम या उसका भाई या उसका कोई रिश्तेदार है, अगर वो फैमिली मेंबर है, वो घर पर आएगा, तो मैं उसको इस समन के बारे में आगाही दूंगा कि प्रोसेस सर्वर आया था और उसने आपके बारे में ये समन्स दिए हैं कि फलां शख्स को फलां कोर्ट में फलां तारीख को उसको पेश होना है। उसके बाद आ जाता है जी कि अगर ये जो 70 में तरीका बयान किया गया है, अगर इस तरह से भी उस मुलजम की सर्विस करवाना जो है वो मुमकिन ना हो, तो कौन सा तरीके का अख्तियार किया जाएगा। आपने पूरी कोशिश की कि आप सेक्शन 69 और 70 के तहत मुलजम की सर्विस करवाएं, उसको समन सर्व करें, लेकिन दोनों तरीके से यह मुमकिन नहीं है कि मुलजम आपको नहीं मिल सका। तो फिर आपने काम यह करना है कि जो आपके पास समन है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, उसको कोई कॉन्स्पिशियस स्पॉट जो है उसके घर का या उसकी जो हाउस का जो नमाया कोई डोर है, दरवाजा है, उसके ऊपर आप उसकी एक कॉपी जो है उसको फिक्स कर देंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप उस जगह पर करेंगे, होम स्टैंड में, उसके घर में जहां पर वो ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है। और इस तरह से ये समझा जाएगा कि अगर आप उसका सबूत ले आते हैं कि ये देखें मैंने एक कॉपी उसके घर पर चस्पा कर दी है, तो समझा जाएगा कि उस शख्स के मतलब आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सर्विस जो है वो कंप्लीट कर दी है। अगला क्वेश्चन आता है जी कि अगर कोई शख्स रेलवे कंपनी का मुलाजम है या वो सर्वेंट स्टेट है, सरकारी मुलाजम है, तो उस पर समन्स की सर्विस किस तरह से की जाएगी। अगर कोई शख्स किसी रियासत का मुलाजम है या रेलवे कंपनी का मुलाजम है, तो उसका जो हेड ऑफिस होगा वहां पर उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाएगी जहां पर वो इंप्लाइड है, और उस हेड ऑफिस में जो इंचार्ज होगा वो जो है जी, वो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसी तरीके से उस शख्स पर उसकी सर्विस करवाएगा जो सेक्शन 69 में बयान की गई है। और जब वो शख्स जो मतलूब है उसकी सर्विस मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उसी तरह से वो जो हेड ऑफिस का हेड है वो उसकी एक कॉपी जो है उसको कोर्ट को रिटर्न करेगा और उसके ऊपर अपने भी सिग्नेचर करेगा और इस बात के एंडोर्समेंट करेगा कि उसने सेक्शन 69 की पूरी कंप्लायंस करते हुए उसकी सर्विस करवा दी है। और उसके जो दस्तखत होंगे, जो हेड ऑफिस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उसके जो साइन होंगे वो इस बात की दलील होंगे कि उसने ड्यू सर्विस जो है वो करवा दी है और वो इस बात की एविडेंस होगी। अब एक कोर्ट है तो जिस मुलजम की सर्विस दरकार है, जिसको समन्स जारी किए गए हैं, वो उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, यानी अदालत की जो लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, जो अख्तियार समात है उसकी, उसका जितना वो इलाका है, उसकी रेजिडेंस फर्ज करें किसी दूसरे जिले में है, तो उसके मतलब जो सर्विस करवाई जाएगी उसका क्या तरीकेकार है।
अब कोर्ट जो है वो एक ऐसी शख्स की सर्विस करवाने जा रही है जो उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, और या फिर वो ऐसे शख्स के मतलब सर्विस करवाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में जरूरी है जी के जो शख्स उसकी सर्विस करवा रहा है उसको एक एफिडेविट कोर्ट में देना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास, कि मैंने उसकी ड्यू डिलीजेंस के जरिए सर्विस करवाई है और उसके लिए जो उसकी समन्स की डुप्लीकेट कॉपी है उसके ऊपर वो एक एंडोर्समेंट देगा और बिल्कुल वही तरीके का अख्तियार किया जाएगा जो सेक्शन 69 और 70 में बयान किया गया है, और जिस शख्स के हवाले वो समन्स किए गए हैं या जिसके पास वो समन्स लेफ्ट किए गए हैं उसका वो जो एफिडेविट होगा वो एडमिसिबल इन एविडेंस होगा, और उस एफिडेविट के बाद यह बात तस्लीम की जाएगी कि उसने पूरी कोशिश की है उन समन्स को सर्विस करवाने की, और जब एफिडेविट दाखिल कर दिया जाएगा उस शख्स की तरफ से तो समझा जाएगा कि यह एफिडेविट करेक्ट है जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता या उसके मुतजाद कोई एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं कर दी जाती, तो तब तक जो एफिडेविट उसकी तरफ से दिया गया सबमिट किया गया है कि मैंने वो पूरा प्रोसीजर जो सेक्शन 69 और 70 में बयान किया गया है उसको अडॉप्ट किया है और मैंने आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन जाके बकायदा उसकी सर्विस करवाने की कोशिश की है, और प्रोसेस सर्वर के लिए ये जरूरी है कि अगर वो चाहे तो वो उस समन्स के डुप्लीकेट के साथ उसी एफिडेविट की कॉपी भी अटैच कर सकता है ताकि कोर्ट को जब वो समन रिटर्न करे तो उसको सेटिस्फेक्शन दी जा सके। तो ये वो प्रोसेस था जी, इसमें सेक्शन 74 और सेक्शन 526 और 539 ACRPC जो हैं वो प्रूफ ऑफ एविडेंस बाय एफिडेविट की इजाजत भी देते हैं, और अगर ये तीनों सेक्शंस की रिक्वायरमेंट पूरी ना की जाए जो सेक्शन 74, 526 और 539A में बयान की गई है तो फिर जो लीगल एविडेंस है इन सेक्शंस के जरिए उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप एविडेंस थ्रू एफिडेविट सबमिट करते हैं तो आपको सेक्शन 74 और 526 और 539A में दी गई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो जनाब अली, ये पहला तरीकेकार था कि जब आप किसी शख्स को कोर्ट ऑफ लॉ में तलब करते हैं तो उसके जरिए सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 74 तक आप मुख्तलिफ तरीकों से उसकी समन्स की एग्जीक्यूशन करवाने का जो तरीकेकार है वो बयान किया गया है। अब इसका पार्ट बी आता है जो दूसरा तरीका है जी किसी शख्स को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने का, वो है वारंट ऑफ अरेस्ट। तो जिस तरह से समन्स हैं इसी तरह से सेक्शन 675 जो है उसमें वारंट के बारे में बयान किया गया है कि वारंट किस किस्म का होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है जी कि वारंट जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पर उस शख्स का नाम और उसका डेजिग्नेशन जरूर मौजूद होना चाहिए जिस शख्स ने वो वारंट जारी किए हैं, और तीसरी बात यह है कि जिस शख्स को आपने गिरफ्तार करना है उसका नाम और फुल डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होनी चाहिए,
और वारंट के ऊपर ऑफेंस चार्ज जो है, जिस जुर्म का इल्जाम आयद किया गया है उसका बयान किया जाना भी बहुत जरूरी है। और पांचवी इसकी शर्त यह है कि इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। और छठी बात यह है कि इट मस्ट बी सील्ड, इसके ऊपर जो उसकी कोर्ट की जो है वो मोहर भी चिस्पा होनी चाहिए। तो इसी तरह से सेक्शन 75 के तहत जो वारंट है वो जारी किया जाता है। इसमें मैं रिपीट कर देता हूं कि वारंट की जो रिक्वायरमेंट है, वैलिड वारंट की जो रिक्वायरमेंट है, इन राइटिंग होना चाहिए, नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए जिस शख्स ने उसकी तकमील करवानी है, नेम और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस शख्स को जिसको आपने अरेस्ट करना है या कोर्ट में जिसको आप पेश करना चाहते हैं। लाजमी है कि उस वारंट के ऊपर वो ऑफेंस जो चार्ज किया गया है, जो जुर्म लगाया गया है, वो भी मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो जज है उसके लिए लाजमी है कि वो वारंट पर अपने साइन करे और आखिर में उसकी मोहर भी उस पर सबत होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये पैदा होता है जी कि वारंट जो है वो किस तरह से डायरेक्ट किए जा सकते हैं, कि वारंट किसके जरिए आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप आमतौर पर एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्डिनरली वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएं, लेकिन अदालत के पास अख्तियार ये है कि अगर उसकी इमीडिएट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड हो और कोई पुलिस ऑफिसर फौरी तौर पर अवेलेबल ना हो तो वो किसी भी शख्स या एक से ज्यादा दीगर अशखास को डायरेक्शन दे सकती है कि वो इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं। और अगर एक से ज्यादा शख्स या अशखास के नाम पर वारंट जारी किया जाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों के वारंट जारी करें या उसकी एग्जीक्यूशन सब पर करवाएं। आप एक या एक से ज्यादा लोगों के वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इस तरह से वारंट जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पुलिस अफसर के अलावा दीगर किसी शख्स के जरिए भी करवाई जा सकती है। अब जनाब अली 79 में यह बात बयान की गई है कि जब आप पुलिस ऑफिसर के जरिए कोई वारंट एग्जीक्यूट करवाते हैं तो यह लाजमी है कि जिस शख्स के नाम पे आप वारंट जारी करेंगे उसका नाम उस वारंट के ऊपर लिखा जाना चाहिए और उसको इंडोर्स होना चाहिए और लाजमी है कि स्पेसिफिकल नेम ऑफ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड इट मस्ट बी इंडोर्स्ड और शुड बी इन राइटिंग ऑन द वारंट ऑफ अरेस्ट। एक वारंट के बारे में यह है जी के सेक्शन 81 बहुत जरूरी है जिसमें यह बात बयान की गई है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। जब भी आप किसी शख्स पर कोई वारंट एग्जीक्यूट करवाते हैं तो फिर लाजमी है कि आप अननेसेसरी डिले किए बगैर उस शख्स को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें जिसने उस वारंट को जारी किया है। एक वारंट जो है वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है और ये आजाद जम्मू कश्मीर तक इसकी जो है वो रसाई है जी। यानी कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट अगर पाकिस्तान की किसी कोर्ट से जारी किया जाता है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर करवाई जा सकती है। इसके अलावा ये है कि वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिस्डिक्शन, अगर एक कोर्ट ने वारंट जारी किया है तो
अगर कोई मुल्जम है या कोई शख्स है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में मौजूद नहीं है तो उसका तरीकेकार बयान किया गया है सेक्शन 83 में। अगर कोई वारंट लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन से आउटसाइड एग्जीक्यूट करवाने के लिए जारी किया जाता है तो उसको किसी पुलिस ऑफिसर को फिर डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो उस इलाके के जो एरिया मैजिस्ट्रेट हैं उनको वो वारंट जो है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जिनकी ज्यूरिस्डिक्शन में वो शख्स मौजूद है उनको वो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए फॉरवर्ड किए जाएंगे, और फिर जो मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि इससे पहले पूरा बयान किया गया है तरीकेकार कि किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो करवाई जाएगी। उसके बाद है जी अब तरीकेकार ये है कि जब किसी शख्स के मतलब वारंट इशू किए गए तो उसका अरेस्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अख्तियार किया जाएगा। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विदिन 20 माइल्स ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और इज नियरर देन द मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज जुरिसडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 76 बी टेकन बिफोर सच मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट। अगर 20 मील से कम का फासला है 20 किलोमीटर से माइल से तो फिर उसी शख्स के पास पेश किया जाएगा जिसने वो वारंट जारी किया था, अदरवाइज फिर अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर जो जिस मैजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन में वो शख्स मौजूद था उसको अननेसेसरी डिले किए बगैर उसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जी आगे चलते हैं तो अब ये तो वारंट के बारे में था, तो अभी तक हमने दो तरीकेकार जो है वो अरेस्ट के डिस्कस किए हैं। एक है जी समन्स, और समन्स के जरिए दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कंपेल ए पर्सन टू अपियर बिफोर द कोर्ट एंड फेस द ट्रायल और इफ एनी काइंड ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, तो देन देयर आर टू मेथड्स टू कंपेल दैट पर्सन टू अपियर बिफोर द कोर्ट। फर्स्ट मेथड इज टू इशू समन्स एंड सेकेंड मेथड इज वारंट ऑफ अरेस्ट। आई थिंक द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टू मेथड्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह I will try to elaborate the other methods which include proclamation and attachment of the person against whom the warrant or summons are issued but he is reluctant to appear before the court. So the other method shall be elaborate in the next lecture. A question arises regarding the warrant or summons के क्या किसी तरह से हम एक ही वक्त में summons जो है वो और warrant इकट्ठे जारी कर सकते हैं, तो the answer is yes. Under section 90 of CRPC, issue of warrant in lieu of or in addition to the summons, a court may in any case in which it is empowered by this court to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reasons in writing a warrant for his arrest, A, if either before the issue of such summons
or after the issue of same, but before the time fixed for its appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. And secondly, if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith, and no reasonable excuse is afforded for such failure. दो कंडीशंस ऐसी सीआरपीसी में बयान की गई हैं, जब अदालत समन्स और वारंट्स अलग-अलग जारी करने की बजाय समन्स के साथ अजाफी तौर पर वारंट्स भी इशू कर सकती है। उसमें पहली कंडीशन यह है कि समन्स इशू करने से पहले या फिर समन्स इशू करने के बाद, और अभी उस शख्स के कोर्ट में पेश होने के लिए टाइम फिक्स नहीं हुआ, तो कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स मिल जाती हैं बिलीव करने के लिए कि वो शख्स अब्सकॉन्ड कर गया है, वो शख्स भाग गया है, या फिर कोर्ट को पूरा यकीन है कि अगर हमने सिर्फ समन्स जारी किए तो वो उन समन्स को अवैध नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर समन्स जारी हुए तो वो फेल हो जाता है कोर्ट में अपीयर होने से, और ये बात साबित हो जाती है कि समन्स उस पर ड्यूली सर्व हुए थे लेकिन इसके बावजूद वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं हुआ और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है कि वो आके कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सके कि बावजूद इसके कि मेरे खिलाफ समन्स जारी हुए थे और मैंने उनकी सर्विस भी की थी और इसके बाद मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं हुआ, तो अंडर सेक्शन 90 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू वारंट इन लियू ऑफ समन्स आर इन एडिशन टू समन्स। तो कोर्ट के पास अख्तियार है कि दो सूरतों में, जब कोर्ट को इस बात की माकूल वजह नजर आ जाए कि सिर्फ समन जारी करने से या समन जारी करने के बाद वो शख्स अब्सकॉन कर गया है या उसकी कोर्ट में अपीयर होने के कोई चांसेस नहीं है, तो कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो समन्स के साथ साथ वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी कर सकती है, और इसमें फिर कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाइड करना जरूरी है और उन ग्राउंड्स को मेंशन करना जरूरी है जिनके तहत वो समझती है और रीजन टू बिलीव रखती है कि इसके बगैर उस शख्स की कोर्ट में अपीयरेंस नामुमकिन है। तो आज मैंने आपको तीन मेथड्स समझाने की कोशिश की है जिसके जरिए हम किसी मुल्जम को मजबूर कर सकते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाए। इसमें सेक्शन 68 से लेके 74 तक समन्स हैं और सेक्शन 75 से लेके 83 तक वारंट्स हैं, और फिर सेक्शन 90 में ये बात बयान की गई है कि किन हालात में समन्स और वारंट्स को अलग-अलग जारी करने की बजाय उनको इकट्ठा ही जारी किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो और आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं इसको मजीद बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए हम वक्त तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।